नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सभी को मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मेरा अनुभव रहा है बीइंग एन एक्टर। जब हम फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारा जो थॉट रहता है, जो हम सोचे होते हैं अपने बारे में कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा या फिर और भी हमारे यहाँ कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, जब हम फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं तब हमारी एक सोच होती है कि यार मैं जाऊंगा और वहां जाकर बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा और मेरा जो लाइफ स्टाइल होगा वो हम पूरी तरह से वो कल्पना कर चुके होते हैं, एकदम अपर स्टेज का, जहां पर आज के जो सुपर स्टार्स जो हैं, जिन्हें हम सुपर स्टार्स कहते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं जो मेन लीड में काम करते हैं, तो हम भी अपना व्यू वैसा ही बना लेते हैं। लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं रहता है कि हम आगे करने वाले क्या हैं। जिस तरह से जो आज के डेट में फिल्मी दुनिया का जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, उन्होंने कितनी जद्दोजहद की, क्या उनके पास पहले से पैसे थे और हम आज के डेट में गरीब हैं, मतलब पहले से हमारे पास पैसे हैं नहीं और हम जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक्टिंग सीखी थी कहीं से और मैंने एक्टिंग नहीं सीखी है कहीं से। मतलब मैं कोई कंपैरिजन करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कम से कम जाने उनके बारे में और अपने बारे में भी जाने, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा, सामने वाले व्यक्ति ने ऐसे ऐसे किया था क्या? कोई बात नहीं यार, ये उनकी लाइफ है, वो बहुत पैसे वाले थे, मैं बहुत पैसे वाले नहीं हूँ, तो मुझे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इस बात का जब आपको आइडिया मिलेगा ना दोस्तों, स्ट्रेटेजी मैं भी कुछ बता सकता हूँ आपको, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी जो रहेगी, मतलब आगे बढ़ने के नियम कानून, वो मेरे हिसाब से मेरे लिए अच्छा हो सकता है, मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरी सोच से, मेरे जीवन को लेकर, है ना। आपका जीवन जो है दोस्तों, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या है अभी, तो आप उसी हिसाब से अपने तरीके से आगे बढ़ें दोस्तों। इसीलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक सोच का पैटर्न दे रहा हूँ आपको कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ फिल्मी दुनिया की बात नहीं दोस्तों, अगर आप कोई भी फील्ड में हों, कोई भी नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो इस स्ट्रेटेजी को ज़रूर अपनाएं दोस्तों, तभी आपको लगेगा और आइडिया मिलेगा कि यार मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल छलांग मारने के चक्कर में ना रहे दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि बस मैं फिल्मी दुनिया में गया और जस्ट फटाक से मैं बन गया सुपरस्टार। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ दोस्तों, कभी किसी के साथ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आया फिल्मी दुनिया में और स्टार बन गया तुरंत, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई दिखता भी है तो उसका फिल्मी दुनिया में आने से पहले, मतलब यहाँ मुंबई आने से पहले, बॉलीवुड में आने से पहले का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा होगा उस फील्ड में, है ना। किसी बिजनेस की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं बन जाता है, किसी भी व्यक्ति का बिजनेस रातों रात एकदम फल फूल नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो जिसे हम जानते हैं या समझते हैं किसी के बारे में कि यार रातों रात ये स्टार बन गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ ये सही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अपना परसेप्शन बनाने से पहले अच्छे से उस व्यक्ति के बारे में, उस चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त कर लिया करें दोस्तों। और जब आपको नॉलेज मिल जाता है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसका आपको आइडिया मिल जाता है दोस्तों। देन दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जिस फील्ड में हैं, मतलब बीइंग एन एक्टर, हमारा ये जो शरीर है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब प्रोडक्ट है दोस्तों, तो हम अपने आप को सीमित क्यों रखते हैं,
सीमित ना रखा करें दोस्तों। जब हम सीमित कर देते हैं अपने आप को कि नहीं मैं तो सीरियल में काम नहीं करूँगा, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो सीरियल में काम ही नहीं करते हैं, चाहे तुम लीड रोल क्यों ना दे दो, नहीं करूँगा, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने कई कॉल्स आए हैं, मुझे सिर्फ फिल्म करनी है और एड फिल्म करनी है ये, और अब तो वेब सीरीज आ चुका है। तो अब वही दोस्त लोग जो हैं बोलते हैं फिल्म एड वेब सीरीज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मीन्स ना मैं किसी थिएटर ग्रुप में शामिल होऊंगा, ना मैं सीरियल कोई करूंगा, और ना कोई लाइव कहीं पे जाके परफॉर्म करते हैं। बहुत अब अपनी अपनी बात है दोस्तों। जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सीरियल, एड फिल्म, फिल्म्स, वेब सीरीज सबके लिए मैं अपने आप को बिल्कुल अवेलेबल रखा हूँ। अगर कोई मुझे बुलाता है, कोई इस लायक मुझे समझता है कि हाँ मैं उनके सीरियल में, उनके फिल्म में, वेब सीरीज में कहीं मैं कास्ट होने लायक हूँ, जो कि लोग बुलाते भी हैं, और जो मुझे समझ में नहीं आता है कि नहीं यार ये करेक्टर मेरे लायक नहीं है या फिर मैं इसे करना पसंद नहीं करूँगा, तो मैं बहुत ही अदब से, प्यार से मैं उन्हें बोल देता हूँ कि सर इस बार के लिए माफ़ कीजिए, मैं ये रोल नहीं कर पाऊँगा अभी, या कुछ और बातें जो आप प्यार से बोल सकते हैं आपको ज़रूर बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन सामने वाले को दुखी नहीं करना चाहिए, दिस इज़ द मेन पॉइंट दोस्तों। दोस्तों इसीलिए अपने आप को अवेलेबल रखें, यू आर अ प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट हैं तो आप खुद समझिए, बीइंग अ प्रोडक्ट मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कैसे ज़्यादा काम मिलेगा। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को सिर्फ मुंबई में बेचूं, ऑल इंडिया नहीं बेचूं, तो मेरा प्रोडक्ट कितना बिकने वाला है ना। उसी तरीके से अपने आप को सीमित ना रखें, स्प्रेड आउट कर दें अपने प्रोडक्ट को, अवेलेबल कर दें अपने आप को, उसके बाद देखें कि यस मैं भी काम कर रहा हूँ और मैं भी बिजी हूँ। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।